अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 3 और 123 चैप्टर नंबर 2 के रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 3.1 बायनोमियल थ्योरम हमारे चैप्टर का नाम है और 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है एक कंप्यूट टू टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय यूज ऑफ बायनोमियल फॉर्मूला। टू डेसिमल प्लेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद दो हिंसे आपने लेने होते हैं। हमारा 1.02 की पावर 4 है। पहले हम इसको a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं इसको 1 प्लस 0.02, यानी मैंने 0.02 इसे अलहदा करके प्लस करते हुए लिख के पावर n कर दी, तो ये a प्लस बी की पावर n कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब हम NCR मेथड लगाते हैं। तो 4C0, ये हमारा 1 है, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम, और B है 0.02, इसकी पावर हो जाएगी मिनिमम 0। तो 5 टर्म तक जाना है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। फिर प्लस किया 4C1 हो जाएगा, और A की पावर अब मजीद एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगी, ये कम होती जाएगी, और B जो है 0.02, इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्लस किया 4C1 के बाद 4C2 आ जाएगा, ए की पावर मजीद एक कम कर देंगे और बी की पावर में भी आपने एक ऐड किया तो वो भी 2 हो जाएगी। फिर प्लस किया 4C आ जाएगा हमारा 3, और ए की पावर अब मजीद कम की तो 1 हो गई, और बी जो है 0.02, इसकी पावर भी हमारे पास एक ऐड करते हुए 2 से 3 बन जाएगी। फिर प्लस किया और लास्ट टर्म में 4C4, क्योंकि आपको बताया कि 4C4 तक ही रहेगा, और ए जो है इसकी पावर हो जाएगी 0, और बी जो है 0.02, इसकी पावर मैक्सिमम 4 हो जाएगी। भूल कर भी स्टूडेंट, कभी भी आपने 4C4 या NCR में आपने बटे का साइन नहीं डालना, या 4C0 को 4/0 नहीं लिख सकते, 4/0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एक ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 4C आपका 0 जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। अब 1 की पावर कुछ भी हो जाए, आखिर उसने 1 ही रहना है, और इसमें पावर 0 है तब भी ये 1 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस कर लेते हैं, 4C1 आपका 4 होता है। ये मैं आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ कि आप लिखें 4 शिफ्ट ये डिवाइड का बटन और 1 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखें, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, ये 0.02 की पावर 1 है एज इट इज लिख दिए हमने। नेक्स्ट देखिएगा 4C2 आप उसी तरह से निकालेंगे तो 6 आएगा, इसके साथ ही 1 की पावर स्क्वायर में है 1 ही रहेगी, बट आपको यहाँ पर 0.02 का स्क्वायर लेना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.02 और इसकी पावर हमने यहाँ पे 2 लिख लेनी है, वैसे भी स्क्वायर का बटन होता है। तो ये आप पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए 10 की पावर लिखी हुई है -4। अब आपने शुरू में जो है वो 4 0 लगा के 4 लिखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, 0 के बाद 4 लिखे, 4 से पहले 0.3 तक है तो फर्स्ट के बाद आपने इशारिया लगा देना है, ये रूल फॉलो करना है आपने। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास 4C2 का 6 भी हो गया, प्लस आता है, 4C3 हमारा 4 होता है, पावर कुछ भी हो 1 होगी। हमने यहाँ पर 0.02 का पहले स्क्वायर लिया था ना, अब क्यूब भी लेना है और इसमें देखना है, तो 0.02 पावर जो है वो क्यूब में आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगी, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या लिख दिया इसने, मैं अगेन दोबारा कर लेता हूँ। हम देख किसकी पावर देख रही है, 0.02 की पावर हमने देखनी है क्यूब में। देखिए फ्रैक्शनली बता रही है, SD का बटन प्रेस कर लें, पावर अब देखिए 6 डिजिट्स 0 के हैं और फिर 8 आएगा और फिर फर्स्ट के बाद पॉइंट लगेगा, 6 डिजिट आपने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और फिर 8 लिखे और फिर यहां से उल्टा चलें 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक हो गया, तो ये 0 पॉइंट, फिर आगे 0 0 रहेंगे, ये पॉइंट है इस जगह पे जहाँ पे मैंने लिखा है ना पॉइंट, बाद में यहाँ पे पॉइंट बनता है आपका। फिर आपका 4C4 1 होता है, प्लस किया यहाँ पे 1 हो गया, पावर 0 है तब भी 1 है। अब इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं पावर 4 में, तो आपने यहाँ पर जो है वो आपका सॉरी 0.02 की पावर आपने देखनी है यहाँ पर 4 मैक्सिमम जो है, तो ये आपके पास देखिए 1.6 सिर्फ 10 की पावर 7 है, 1.6 को आप 16 ही लिखेंगे। पहले आपने क्या करना है, एक ये देखिएगा 2 3 4 5 6 7 0 लगाने हैं और फिर 16 लिख लेना है 6, और देखिए 1.6 है ना, पॉइंट जो है 1 के बाद है,
पॉइंट को वन से शुरू में आपने सात डिजिट शुरू में लेके आना है। वन एक हो गया, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट होता है, ठीक है। ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, ये छः, ये पॉइंट और ये सात, जीरो होते हैं ना हमारे टोटल। ये बाकियों में भी ऐसे ही पॉइंट लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। याद तक करने के बाद अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारी जो स्टेप में आता है कि ये वन तीनों मल्टीप्लाई होकर वन ही रहेगा। ये वाली वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे माइनस में कोई भी नहीं वैल्यू है, प्लस की। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.02 मल्टीप्लाई बाय, आप करें यहाँ पर 4 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 हो जाएगा। सिंपल 0.08 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, प्लस किया, ये होता है ना 6 4 24, तो कितना फर्क आएगा देखते हैं। 24 हो जाएगा बस, वो वैल्यू पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 0.,  देखिएगा 1 2 3 0, 4 लिख दिया और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर देखिए -3 है, तो हमें यहाँ पर 1 2 3 0 लगाने हैं, फिर 24 लिखते हुए। देखिए 2.4 से पॉइंट जो शुरू में आएगा तीन डिजिट पहले तो यहाँ पर ही है, वही वैल्यू है ना। देखिए कितने जीरो थे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल 2 भी है ना, इस वजह से ठीक हो गया। अब ये देखिए नीचे आपके पास, और ये वैल्यू ऐसे ही बनेगी इसी तरह आपके पास। अब नेक्स्ट, अब ये मैं मतलब बता दूँ आपको कि ये बेसिकली पॉइंट्स कहाँ पे, ये भी देख लीजिए 0.0024 इतना बनेगा, ठीक है ना। ये ऊपर भी वैसे ही है, तो पॉइंट्स बाद में लगाया इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है। फिर किया प्लस, अब इसको भी आप देखें तो 6 8 32 होता है ना, ये सारे पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे 0.000 और फिर 0। इतने 0 है टोटल, देखिएगा 1 2 3 4 5 है ना, 4 लगा दें बाकी 32 हो जाएगा ये, है ना। लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हुए वो 0 की जगह पे आपका 3 आ जाएगा और 8 की जगह पे 2, क्योंकि 4 8 32 होता है। तो आप ये मल्टीप्लाई करके आखिर में जब आ जाएंगे जी, फिर प्लस करके इस लास्ट वाले को भी देखें तो ये तो वैसे ही आ जाएगा ना, कि 0.123456 और 16 आ जाएगा यार। सबको आपने टोटल काउंट करना है और फिर 2 डेसिमल प्लेस लेने हैं बस। हमने सिर्फ इशारे के 2 डिजिट ही लेने हैं, लेकिन ऐड हमने इन सबको करना है। क्या है हमारे पास, 1 प्लस 0.08, ठीक है, प्लस करें 0.0024 हो गया, ओके, प्लस कर लें 0. ये कितने 0 है, 40 है, 1 2 3 4 0 0 0 3 2, फिर प्लस करते हैं, फिर 0.000 फिर 0 0 0 और 16, 6 0 है इसमें, ठीक है, और फिर इक्वल कर देते हैं तो ये वैल्यू बन रही है ये 1.08। जो भी वैल्यू आएगी आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लेनी है वैसे, तो 1.08 टू डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद देखिए इशारे के बाद 2 डिजिट हमने ले लिए बस। तो आपने इन सारी की सारी वैल्यू में से ना सिर्फ 1.08 ही लेना है। अगर मैं वैसे कहूँ कि इसके आगे 2 भी है 4 भी है, यही बन रही है ना, 2 है 4 है फिर 3 है 2, मैं सारी लिख दूँ, ठीक है, तो भी आप देखेंगे 3216, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस का, तो मेरा आंसर जो होगा वो 1.08 होगा। अब स्टूडेंट इसका चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन है, इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं आएगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो इसका आंसर 1.08 ही है, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो इसको सॉल्व करना था। आई होप के स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। फेसबुक का पेज जो है, फेसबुक का ग्रुप है, पेज को लाइक कर दें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वेबसाइट पर जो जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ नोट्स है वो वेबसाइट पर भी होते हैं और फेसबुक के ग्रुप में भी अपलोड किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यों वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।